देश में हजारों लाखों बच्चे हर साल मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन कई बच्चों के सपने पूरे नहीं हो पाते। पर क्या आप जानते हैं, एक शख्स को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी हाइट महज 3 फुट की थी और वजन 18 किलो। जी हाँ, गुजरात के भावनगर के रहने वाले एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी हाइट उनके लिए बाधा बन गई। गणेश बरैया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को विश्वास नहीं था कि वो डॉक्टर बनने में सक्षम है, क्योंकि उनकी लंबाई थी महज 3 फीट। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तमाम बाधाओं को पार करते हुए गणेश ने हाल ही में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की। जब मैंने 12th साइंस का पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से, और MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम क्लियर की और MBBS में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो MCA कमेटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने ये रिजेक्शन की बात नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई खातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर हर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गणेश ने MCI के रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस समय उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने साल 2019 में एक जजमेंट दिया कि गणेश अपनी MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। अगस्त 2019 में गणेश ने भावनगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था और आज वो भावनगर में MBBS इंटर्न डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में MBBS में एडमिशन मिलेगा, इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई। आज जब मैं पेशेंट को देखने जाता हूँ तो जब पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। अब गुजरात के सरकारी अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर गणेश बरैया दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर बन गए हैं। गणेश बरैया की उम्र सिर्फ 23 साल है। उनके पिता बताते हैं कि बचपन में ही गणेश का सिर बड़ा होने लगा था, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि एक शख्स ने गणेश को 1,00,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखा। बदले में उन्हें सर्कस में बौना बनकर जाना था। इससे उनके माता पिता को बहुत तकलीफ हुई। कोई गणेश का अपहरण न कर ले, इस डर में उनके पिता खुद गणेश के साथ स्कूल जाते थे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।